बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम के टाइप, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अगर किसी लाइट के सोर्स से कोई लाइट निकले और किसी सैंपल से होकर वो लाइट पास हो, तो वो सैंपल लाइट के कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब वो जो लाइट है, ट्रांसमिटेड लाइट, एब्जॉर्ब होने के बाद बची कुछ जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, उसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। दूसरा, मैं ये कहा था कि लाइट के सोर्स से अगर कोई लाइट एमिट होती है तो जो स्पेक्ट्रम होता है इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है और इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है। अगर इमिशन स्पेक्ट्रम, अगर लाइट का कोई सोर्स व्हाइट लाइट एमिट करता है तो इमिशन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होगा, और कलर्ड लाइट एमिट करता है तो डिसकंटिन्यूअस। ये पूरी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं। अब ये तो होगा व्हाइट क्लासिफिकेशन, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा हम लोग अंदर जाएं, लेकिन वो बहुत ही सरल चीज है, सिंपल चीज है, तो उसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। ऐसा है, जैसे ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और ये क्या है, ऑर्बिट है, ठीक है। मान लीजिए इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी है, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी है, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी है, ठीक है। ये किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। अब ये लाइट आ रही है अलग, ये समझाने के लिए देखिए, ये केवल आपको लॉजिक समझाने के लिए एग्जांपल है, ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि ऐसा ही हो, ठीक है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, पर ये बिल्कुल जो आपको पढ़ना है, जो आपको समझना है, ये इसमें एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि इस लाइट की एनर्जी 10 जूल है, इसकी एनर्जी मान लीजिए 20 जूल है, ये 30 जूल है, ये 40 जूल है, ये 50 जूल है, 60 जूल है। अब ये लाइट आ रही है, मान लीजिए कोई लाइट इतनी रेडिएशन से मिलकर बनी हुई है, और ये रेडिएशन जब इसमें जाएगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने के लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए भाई, यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल है, यहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 जूल है, तो यहां से यहां आने के लिए कितनी जूल एनर्जी चाहिए, 40 जूल एनर्जी चाहिए, तो ये 40 जूल एनर्जी को ले लेगा। बची कुची लाइट ट्रांसमिट होगी 10, 20, 30, 50, 60। इस लाइट को जब प्रिज्म में से पास करेंगे, देखिए रफ डायग्राम है ना, ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें सही गलत में आप नहीं जाएंगे, इसमें केवल समझना, और बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आता है, इसलिए इस तरीके से इसको समझाया जा रहा है। अब देखिए ये क्या होता है, कलर, ये व्हाइट बैकग्राउंड है, इसमें आपको हर जगह कलर मिलेगा, यहां कुछ कलर मिलेगा आपको, यहां कुछ कलर मिलेगा, यहां कुछ कलर मिलेगा, यहां कुछ कलर मिलेगा, यहां कुछ कलर, मतलब जहां जहां लाइट आ रही वहां कलर मिलेगा, लेकिन ये एक जगह है जहां पर आपको कोई कलर नहीं मिलेगा, बल्कि एक डार्क बैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, डार्क बैंड। तो ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन बैंड, है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड मतलब एक डार्क बैंड है, और जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद जब यही इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा तो जितनी एनर्जी लेके यहां से यहां पहुंचा उतनी एनर्जी दे के वापस, ये हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी होती है, तो पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, दूसरा ऑर्बिट में ज्यादा होती है, तीसरा ऑर्बिट में और ज्यादा, चौथे ऑर्बिट में और ज्यादा, ऐसे करके ऑर्बिट जैसा जैसा बड़ा होता जाता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है। अब होता ही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल है, तो छोटे ऑर्बिट को लोअर एनर्जी लेवल बोलते हैं, उससे बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा तो हायर ऑर्बिट बोलते हैं, फिर इसको और हायर ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाती है, तो बड़े ऑर्बिट को हायर एनर्जी लेवल और छोटे ऑर्बिट को लोअर एनर्जी लेवल कहा जाता है, ठीक है। तो जितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, तो जब लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आना है तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रहेगा। अब मान लीजिए यही एटम है फिर से बनाया, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर 50 जूल एनर्जी थी, यहां 40 जूल थी और यहां 10 जूल थी। अब जो इलेक्ट्रॉन 10 से 50 में गया था वही इलेक्ट्रॉन 50 से वापस 10 में आया, तो पहले क्या किया था, 40 गेन किया था 40 जूल, लेकिन अब यही क्या करेगा, 40 जूल लूज करेगा 50 से 10 में आने के लिए,
तब जो लूज करेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में लूज करेगा। अब इस रेडिएशन को मैं प्रिज्म में से पास किया, प्रिज्म में से पास करने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट में लिया, ये भी फोटोग्राफिक प्लेट है लेकिन ये व्हाइट फोटोग्राफिक प्लेट है या ब्राइट कलर की फोटोग्राफिक प्लेट रहेगी, लेकिन इसमें जो फोटोग्राफिक प्लेट लेते हैं जिसमें लाइट एमिट हो रही है देखिए, तो ये जो है इमिशन स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम। अंतर क्या है समझ लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन गया, तो पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में था मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम थी, फिर वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, तो जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी तो उसके लिए क्या किया, वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो जिसको जिस लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं किया वो लाइट बाहर गई प्रिज्म में से पास किए, तो जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं थी उनका कलर दिखा और जो एब्जॉर्ब हुई थी उसके जगह क्या दिखा, डार्क बैंड, उसकी जगह दिखा क्यों बोले सर। देखिए क्या होता है, जैसे कोई फंक्शन होता है, बड़ा बड़ा फंक्शन होता है ना, जिसमें आप प्राइम मिनिस्टर या किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, तो आप गौर करेंगे हर के टेबल के सामने या हर के चेयर के सामने जहां उनके बैठने की जगह है वहां उनका नाम लिखा होता है कि भाई यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएंगे, यहाँ पर श्री रामनाथ कोविंद जी आएंगे, सबका एक अलग अलग है भाई कि यहाँ ये आएंगे यहाँ ये आएंगे, सबका लिखा रहता है। वैसे क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट में मेंशन रहता है कहाँ कितनी वेवलेंथ वाली लाइट को आना है। अब उस जगह में डार्क बैंड दिख रहा है, मान लीजिए ये जगह समझने के लिए 289 पिकोमीटर वाली, मान लीजिए 289 पिकोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट की जगह है, तो यहां उस लाइट को आना था पर यहां डार्क बैंड दिख रहा है, मतलब ये चीज इसको एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक, तो इससे आप लोगों को पता चल रहा है कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो गई है वो जहां आना था उस जगह में अपने को कलर ना दिखे, डार्क बैंड दिखेगा, ब्लैक पट्टी दिखेगी, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बैंड बोलते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां वापस आएगा तो एक बार में भी आ सकता है, एक से ज्यादा बार में भी आ सकता है, तो वो उतनी ही एनर्जी टोटल एमिट करेगा जितना वो पहले लिया था। अब ये क्या हो रहा है, 50 से 10 हुआ, तो 50 से 10 कैसे होगा, लूज करके कि गेन करके, लूज करके मतलब लाइट एमिट करेगा, अब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, मतलब 10 से 50 हुआ ऐसा हम लोग मान रहे हैं, तो जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जो स्पेक्ट्रम होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो लाइट एमिट करेगा, तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, फिर से बोलते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर गया तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लोअर टू हायर गया तो लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, तो स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो डार्क बैंड के रूप में मिलता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर आएगा मतलब ज्यादा से कम होगा, तो एनर्जी ज्यादा से कम कैसे होगा, लूज करके, तो जो स्पेक्ट्रम होगा वो इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक व्हाइट फोटोग्राफिक प्लेट में या ब्राइट फोटोग्राफिक प्लेट में लिया जाता है, और ये जो रहता है डार्क फोटोग्राफिक प्लेट में या ब्लैक फोटोग्राफिक प्लेट में लिया जाता है। ठीक है, यहां सब कलर दिखेगा, केवल वही नहीं दिखता जो एब्जॉर्ब हो गया, उसके जगह डार्क बैंड दिखता है, यहां कुछ नहीं दिखता, केवल वही लाइट दिखती है जो एमिट हुई है। तो ये जो है इमिशन स्पेक्ट्रम और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक, अब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया, 50 जूल। जिसकी एनर्जी कम है उसको हम लोग बोल रहे हैं इवन, इवन मतलब हो गया एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, और E2 आ जाएगा एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, E1 क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल, और E2 क्या हो जाएगा एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी। अब जैसे मान लीजिए हमको बोला भाई यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आया 10 जूल वाले से 50 जूल आया, तो 10 वाले को आप E1 बोलोगे, 50 वाले को क्या बोलोगे E2। ये हो जाएगा E2 और ये क्या हो जाएगा E1। अब मेरे बोले कि पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में आया, मतलब 10 जूल एनर्जी वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन
50 जूल वाले में आया, तो 10 से 50 वाले में आया, तो 10 से 50 वाले में आने के लिए कितनी एनर्जी लगी, 40 जूल। कैसे निकाले, E2 माइनस E1 इतना, तो ये एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी लगी। अब मान लो मैं बोलता कि 50 जूल एनर्जी वाले से 10 जूल में गया तो कितना एमिट किया, तो भी आप E2 माइनस E1 करते, आप बोलते 40 लूज किया। दोनों केस में आप E2 माइनस E1 करोगे, हायर से लोअर को माइनस करोगे, बस अंतर ये रहेगा आपको दिमाग में रखना है कि भाई कम से ज्यादा होगा 10 से 50 होने के लिए गेन किया तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और 50 से 10 होने के लिए लूज किया तो एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है उसको और कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी से रिलेटेड और कैसे फॉर्मूले आएंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बशर्ते स्कूल में अगर आपको पढ़ाया जाए तो, क्योंकि सिलेबस में होना नहीं होना, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो सिलेबस में जो मॉडिफिकेशन होता है उसके बाद ही समझ में आएगा, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में।